बहुत बुरा लगा, बहुत दिक्कत फेस करना पड़ा ना आज बस में। क्या कटिंग हो रहा है? सब्जी नींग रो। मेरा ग्रैंडफादर के तरफ बनो, यहाँ पर देखो दिन भर काम करता है। यहाँ पर जो घास वगैरह होता है ना उसको मतलब साफ कर रहा है। एक जगह पर बैठे रहोगे ना तो तुम्हारा हेल्थ और भी बिगड़ता जाएगा। हाँ गोको बाई बाई पर्सी आउँछु, एक महीना में आई हाल्छु। टाटा कल अंत में यहाँ छाता पकड़ दिन भाग। हे यो ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सभी? हो आपके अच्छे होंगे, अच्छे रहना अपने अपने घर में। सो गाइस इट्स 11 AM एंड आई जस्ट वोक अप। अब पहले ब्रेकफास्ट करने जाना है क्योंकि आज ही है, मतलब आज मुझे जी भर के खाना है क्योंकि कल से मैं मॉम का हाथ का खाना नहीं खा पाऊँगा फॉर ऑलमोस्ट लाइक वन एंड हाफ मंथ। ऐसे ही मतलब डेढ़ महीने के लिए मैं मॉम का हाथ का खाना नहीं खा पाऊँगा क्योंकि मैं अब डायरेक्ट एक महीने बाद ही आऊँगा। तो वही है गाइज, आज सिलगुड़ी जाना है मेरे को, सिलगुड़ी लौटना है वापस फिर से। एंड संदीप भी आया है वोट डालने के लिए, आया था संदीप भी, वो और मैं साथ में जाएंगे, वो माना जी में है। तो बस आएगा एग्जैक्टली एट 4 PM, तो बस में ही जाना है। ठीक है तो चलो गाइज पहले पेट पूजा करते। तो गाइज अभी मैं खा रहा हूँ समोसा एंड अंडा चाय के साथ। ठीक है अभी मतलब लंच करने का टाइम होने वाला है तो अभी थोड़ी देर में लंच करना है, तो बस ऐसे ही खाते अंडा समोसा एंड चाय। नीचे जाकर ये सब बंद, समोसा वगैरह बंद, मैंने बहुत खा लिया है गाइस क्योंकि ऐसे मैं रोज़ रोज़ खाने लगा ना तो मेरा बॉडी बॉडी कभी नहीं बनेगा। क्यों बना कहाँ? क्या कटिंग हो रहा है? सब्जी नींग रो। ठीक है एंड यहाँ पर मुंडा भी है। मुंडा तो मैं कल के लिए कल के लिए ले जाऊँगा अपने साथ नीचे सिलीगुड़ी क्योंकि ऐसा मुंडा नहीं मिलता ना। एक फारसी का मुंडा होगा, इसको उसका मुंडा हाँ इसकुश इसको उसका मुंडा इज दी बेस्ट गाइज, इसको उसको मुंडा इज दी बेस्ट। नहीं मिलता ना नीचे, नहीं मिलता इसको उसका मुंडा तो क्या करे, इसीलिए बेस्ट ही है मेरे लिए। तो यहाँ होता तो मैं रोज़ खाने को मिलता इसको उसको मुंडा, लेकिन अभी नीचे तो वही है गाइज, तो क्या करें है कि नहीं। आज तो हम रूते छैन नि है, देसी चिकन देसी कुखुराहरू छैन है, एउटा पनि छैन, सबै मरेको। सो गाइज अभी तो हमारा सब चिकन भी खत्म हो चुका है तो इसीलिए आजकल मैं अंडा नहीं ले जाता हूँ नीचे। पहले तो क्या होता था 20-30 अंडा में लेकर जाता था, अभी तो एक भी नहीं होता है। यहीं पर रखते थे मम्मी सब चिकन को यहाँ पर, लेकिन अभी तो यहाँ पर सिर्फ वुड ही है हाँ आग जलाने के लिए, और तो कुछ भी नहीं बचा है बेचारा। ये भी है एक, यहाँ पर भी होता था बहुत सारा चिकन, वो देसी अंडा का देसी मुर्गा का ना अंडा बहुत अच्छा होता है ना, तो इसीलिए एंड हेल्दी भी होता है खाने को पोल्ट्री के मुकाबले में। तो अभी यहाँ पर मैमे काम कर रहा है, देखो इतना बूढ़ा हो चुका है ना मैमे, या ही इज़ अबाउट टू रीच 90 years old एंड ही इज स्टिल वर्किंग, ही वॉक्स होल डे। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो घास वगैरह होता है ना उसको मतलब साफ कर रहा है, एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है ताकि ये बारी को एकदम क्लीन कर दे ना, मतलब दिन भर काम करते हैं एंड इट्स गुड ऑल्सो। मैं तो यही कहूँगा गाइस काम ही करो, एक जगह पर बैठे रहोगे ना तो तुम्हारा हेल्थ और भी बिगड़ता जाएगा एंड तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो बोलते हैं ना कूंजे वैसा होता है, पैर वैर हाथ वात कुछ भी नहीं चलेगा एक जगह में तुम बैठे रहोगे तो। मेरा ग्रैंडफादर के तरफ बनो, यहाँ पर देखो दिन भर काम करता है, मतलब लास्ट टाइम कहते 5, 6, 7, 8, 9, 10 months बिफोर ही वॉज इन हॉस्पिटल एंड मतलब कुछ भी नहीं कर सकता था। हम लोग तो सोच रहे थे कि मतलब मैं काम नहीं कर पाएंगे, वो तो अब बेड में ही रहेंगे बोल के हाँ, तो अभी तो थैंक्स टू गॉड एंड वही है गाइस भगवान की दुआ है, अभी मैं फिर से काम करने लग गए। ही इज़ अबाउट टू रीच 90
एंड आई प्रे टू गॉड कि 90 ईयर्स पहुँच जाए मैं में एंड मेरा ग्रैंड मदर भी. ग्रैंड मदर तो थोड़ा जूनियर ही है, मतलब थोड़ा छोटा ही है मेमे से. मेमे अभी 86 एंड मेरा ग्रैंड मदर अराउंड लाइक 70 के लाइन में होगा, 78 ऐसा ही कुछ ना. पहले तो ना यहाँ पर ढेर सारा सब्जियाँ होता था, मकई बोलो, आम क्या साग बोलो, गाजर, मूली, आलू, गोभी सब होता था यहाँ पर. जब से वो बंदर आना शुरू हो गया ना, तो तब से मतलब ये सब स्टॉप हो चुका है. अभी तो कुछ भी नहीं यहाँ पर लगाते, वही है बंदर ने सब ख़राब कर दिया, इसीलिए बंदर को मैं दबा देता हूँ पत्थर मार कर. लेकिन लगता नहीं है. ये क्या है? तो चलो गाइस अभी लंच करते. आज लंच में चावल, निंगरो, दिस इज तांबा एंड हेयर इज फिश, पंकज माचा मछली. आज ढेर सारा है. हाँ, थोड़ा सा सूप डालते हैं एंड यहाँ पर है चिप्स. चलो खाते हैं. सो गाइस अभी मैं सिलगुड़ी के लिए निकलने वाला हूँ. तो मतलब यहाँ पर देखो बारिश हो रहा है, ढेर सारा बारिश हो रहा है. तो अभी मतलब परेशानी होगी मेरे को भी कैमरा पकड़ने में, क्योंकि यहाँ पर मोम ने मेरे लिए ये भी भेजा है. क्या भेजा है? नीचे जाकर ही चेक करना पड़ेगा इसको. एंड बैग में भी मतलब ढेर सारा सामान है, ठीक है. एंड छतरी भी पकड़ना है, कैमरा नहीं पकड़ सकते. तो अभी कैमरा रखते एंड जाते यहाँ पर. मैम गो को बाई बाई, पर्सि आउँछु, एक महिनामा आइहाल्छु म चडक्क ल. अन्त आमा चाहिँ यहाँ छाता पक्रिदिनु भएको छ. तो चलते हैं गाइस, चलो बाई. अब डाइरेक्ट मुलाकात होगी आपसे सिलीगुड़ी में. चलो. सो गाइज फाइनली बैक टू सिलीगुड़ी एंड कैमरा पकड़ने का मौका भी अभी मिला मेरे को, क्योंकि मैम बहुत बारिश चल रहा है गाइज. एंड घर से निकलते वक्त भी बारिश ही है एंड अभी भी बारिश चल रहा है. सिलगुड़ी आते वक्त भी सिलगुड़ी में भी बारिश ही हो रहा था एंड अभी भी हो ही रहा है. तो वही है गाइज. एंड ऊपर से ना गाड़ी इतना भीड़ था, मैं सोचा कि आज इवनिंग को चला जाऊँगा, देरी से ही चला जाऊँगा, बस में एक दो सीट तो मिल ही जाएगा बोल के. लेकिन आज इतना ज़्यादा भीड़ था कि मुझे बैठने का जगह भी नहीं मिला. बैठने का तो क्या, सीधा खड़े रहने का जगह भी नहीं था बस में. तो उस टाइप के मतलब सिचुएशन में मैं यहाँ तक पहुँचा एंड बहुत बुरा लगा. बहुत दिक्कतें फेस करना पड़ा ना आज बस में, बस के अंदर. लेकिन कोई बात नहीं, एकदम सही सलामत घर आ चुके हैं एंड उसी में मतलब उसी को थैंक्स कहना चाहिए. मैं आज तो खाना भी पकाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ रेडी है, घर से सेंड कर दिया है संदीप की मम्मी ने, मेरा आमी ने. सो या गाइज आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं. होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो अलॉन्ग विद मी. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा कल. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, गुड नाइट.